हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज मैं अपना नया व्लॉग शुरू किया है मैंने, संडे का लंच रूटीन। इसमें मैं अभी बना रही हूँ चिकन। इसमें मैंने ले लिया है थोड़ा सा गरम मसाला, इलायची, दालचीनी, लौंग और ब्लैक पेपर। इसको मैं पानी में सोक कर दूँगी एक 15 to 20 मिनट्स के लिए, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। और इसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून पॉपी सीड्स यानी खसखस, उसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून। और ये भी मैं पानी में ही भिगो दूँगी, ताकि ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और ग्राइंड करने के टाइम पे ये आसानी से पेस्ट बन जाए। इसमें मैं अब डाल रही हूँ कैश्यूज, काजू डाल रही हूँ मैं, ये भी उसमें ही मैं भिगा दूँगी, ताकि ये भी अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और मैं इसे छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। अभी मैंने चिकन ले लिया है, धो के वॉश कर लिया है मैंने इसे अच्छा। आप बोनलेस या बोन वाला जो भी हो आपके पास ले सकते हैं। मैंने मिक्स ले लिया है, उसमें मैं डालूँगी सॉल्ट 1 टीस्पून और इसे भी मैं मैरिनेट कर दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। मैंने दोनों को मैरिनेट करके रख दिया है, भिगो कर रख दिया है। और तब तक मैं अभी कर रही हूँ, मेरा राइस बन गया है तो मैं इसे एक कैसरोल में निकाल रही हूँ, और बाद में ये ताकि माइक्रोवेव में गर्म करके हम इसे खा सकें। तो वो जब तक हो रहा है तब तक मैंने सोचा ये राइस का ये काम हो जाएगा। अभी से 15 मिनट्स हो गए हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 ग्रीन चिलीज, और आपके टेस्ट के हिसाब से डालें 2 से 3। और एक जिंजर पेस्ट डाल रही हूँ मैं, जिंजर क्यूब, और गार्लिक क्यूब 1 डाल रही हूँ मैं। इसे मैं अभी अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। देख सकते हैं आप, ये अच्छे से पेस्ट हो गया है। अभी मैं इसे साइड में रख दूँगी। और मैंने एक बोल में ले लिया है कर्ड, और यहाँ पर मेरा बिरिस्ता भी तैयार कर कर मैंने रख लिया है। इसमें हमें बिरिस्ता लगेगा, कच्ची प्याज नहीं लगेगी। अभी 15 मिनट हो गए हैं, तो अभी मैंने रख दिया है फ्राइंग पैन। उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, और पहले मैं चिकन को फ्राई कर कर निकाल लूँगी। अभी मैंने चिकन डाल दिया और मेरी चिकन फ्राई हो रही है, तो इसे मैं अभी टर्न करती रहूँगी और फ्राई करती रहूँगी। और थोड़ी सी हमें फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, 3/4 ही कुक करना है। और तब तक मैं अभी कर रही हूँ आटा गूंद लूँगी मैं, क्योंकि मुझे पराठे बनाना है। चिकन के साथ अच्छे लगते हैं पराठे, तो मैं पराठों की तैयारी कर रही हूँ। रेगुलर ही आटा गूंद रही हूँ नमक डालकर सिर्फ। और ये सिर्फ मैंने गेहूं का आटा ही लिया है, मैदा मिक्स नहीं किया है मैंने इसमें। गेहूं का आटा ही मैंने लिया है, ताकि रोटी भी पराठे भी अच्छे बन जाएं। मैदे में उतना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैदे का थोड़ा हेवी भी हो जाता है ना, इसीलिए। और अभी मैंने ले लिया है दही। अभी मैं अभी कुकिंग इसका मसाला फ्राई करने जा रही हूँ, तो मैंने ले लिया है दही। दही में मैं डालूँगी 1 से 1.5 कप, आप दही ले सकते हैं। 1 से 1.5 कप मैंने दही लिया है। उसमें मैंने डाल दिया वो ग्राइंडेड मसाला, जो मैंने मसाला पीस कर रखा था। उसमें मैं डालूँगी नमक, 1 से 1.5 टीस्पून नमक, या आपके टेस्ट के हिसाब से। और मैं डालूँगी 2.5 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली है ये, तो ज़्यादा तेज़ तो नहीं रहती है। और 2.5 टीस्पून मैं डालूँगी धनिया पाउडर, धनिया पाउडर। और गरम मसाला तो हमने ऑलरेडी डाला ही है उसके अंदर ग्राइंड करने में, तो मैं अभी गरम मसाला नहीं डालूँगी इसमें। मैं अभी डालूँगी जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालूँगी। अभी गरम मसाला हम ज़्यादा डालेंगे तो वो बहुत ही तेज़ हो जाएगा, और इसीलिए मैंने इसमें जीरा पाउडर डालकर इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और इसमें जो भी लम्स वगैरह रहते हैं दही के, वो सब निकल जाएंगे। अभी मैंने कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने डाला है ऑयल, 1 से 1.5 टीस्पून मैंने डाला है ऑयल। और उसमें मैं ये सब मसाला अभी डाल रही हूँ, और इसे मैं अच्छे से 1 से 2 मिनट मिक्स करूँगी। और वो जो हमने चिकन फ्राई करके रखा है ना, वो हम इसमें अभी ही डाल देंगे, क्योंकि वो अभी 3/4 ही कुक हुआ है, अभी 1/4 इसमें कुक हो जाएगा। इसलिए मैं अभी सब पीसेस इसके इसमें डाल दूँगी, और इसे स्लो कर कर कवर कर कर स्लो फ्लेम पर मैं रख दूँगी 1-10 मिनट के लिए। तब तक मैंने बिरिस्ते को क्रश कर रही हूँ, और इसमें मैंने अभी बिरिस्ता मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी,
1 to 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी भी डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा हाफ कप दूध भी डाल सकते हैं। और इसे मैं वापस रख दूँगी स्लो फ्लेम पर 5 to 7 मिनट्स के लिए, या तब तक जब तक हमारी चिकन अच्छे से गल ना जाए, टेंडर ना हो जाए। देखिए अभी ये चिकन अच्छे से कुक हो गई है, अभी मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी। सब मिक्स हो गया है अच्छे से, चिकन भी अच्छी पक गई है और मैं इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ। और अभी किचन का सब काम हो गया है तो मैं आ गई हूँ अभी डाइनिंग पर। डाइनिंग सब क्लीन कर रही हूँ मैं, सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद मैंने नहीं किया था क्लीन, इसीलिए अभी मैं कर रही हूँ डाइनिंग टेबल क्लीन, उसे वाइप कर रही हूँ। माइक्रोफाइबर क्लोथ से अच्छे से वाइप हो जाते हैं डाइनिंग टेबल्स। और आज का मौसम थोड़ा खुल गया है, बारिश बंद हो गई है, और आज मेरा लॉन्ड्री डे है तो मैं अभी कर रही हूँ लॉन्ड्री। एक बैच मैंने डाल दिया है, वो हो रहा है, और दूसरा भी मैं डालूँगी। ये मैं दूसरा डाल रही हूँ, एक बैच कंप्लीट हो गया है तो मैंने सोचा कि अभी दूसरा डाल देती हूँ। मैं डाल रही हूँ एरियल, मैं इस एरियल यूज़ करती हूँ लॉन्ड्री के लिए। और अभी जो एक बैच जो हो गया है उसे मैं सुखाने के लिए आ गई हूँ गैलरी में। मैंने आपको बताया था मैंने एलोवेरा प्लांट लगाया है, देखिए ये मेरा एलोवेरा प्लांट है। इसके लिए इसमें से मैं निकालती रहती हूँ अपने हेयर्स के लिए। और देखो छोटे छोटे और प्लांट्स बाजू में आ रहे हैं। इसके लिए इससे मैं DIY बनाकर हेयर मास्क, फेस मास्क बनाती रहती हूँ, और ये बहुत अच्छा भी रहता है। और ये मेरा करी प्लांट है, कड़ी पत्ते का झाड़ है, ये बहुत छोटा है अभी, ये भी मैंने लगाया है। और ये हमारा बैकग्राउंड है, बैक जो हमारे घर के पीछे जो है वो है, यहाँ पर खेत है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये गन्ने के झाड़ है, शुगर केन, तो यहाँ पर शुगर केन लगाया है। और यहाँ पर कोई तो ग्रेन लगाया है, अभी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, अभी तो प्लांट्स छोटे छोटे हैं ना, शायद या तो वीट रहेगा या राइस रहेगा, कुछ तो ग्रेन है। अभी सब काम होने के बाद मैं अभी करूँगी फेस मास्क लगा रही हूँ मैं। तो मैंने ले लिया है 1 टीस्पून बेसन और 1/2 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी, और इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून हनी। और ये बहुत फेस पैक बहुत अच्छा रहता है, ये ब्राइटन करता है मेरी अपनी स्किन को। और इसमें मैं डाल रही हूँ कस्तूरी में हल्दी, कस्तूरी हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। और मैं डाल रही हूँ इसमें कर्ड डालकर इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसे आप लगाएं, अल्टरनेट डेज आप लगा सकते हैं इसे, 15 से 20 मिनट लगाकर आप इसे अच्छे से थोड़ा सा स्क्रब कर वॉश करें। 15-20 मिनट के बाद जब ये सूख जाता है ना, थोड़ा स्क्रब कर ले आप वैसे ही। अभी शाम का टाइम हो गया है, 5 बज रहे हैं, तो मैं आ गई हूँ किचन में, चाय रख रही हूँ। मैं चाय में शुगर नहीं डालती हूँ, मैं जैगरी की चाय पीती हूँ, तो इसमें मैं डाल रही हूँ, सिर्फ मैं डालूँगी चाय पत्ती। और शाम में मैं चली गई थी ग्रॉसरी करने के लिए, डीमार्ट चली गई थी मैं, क्योंकि मंथ में मेरे ये ग्रॉसरी नहीं हुई थी, इसीलिए मैं आ गई थी ग्रॉसरी करने के लिए। और वैसे ही आते आते मैंने ला लिए थे थोड़े वेजिटेबल्स, जो मुझे चाहिए थे वही मैंने ला लिए, 1-3-4 वेजिटेबल्स ला लिए थे मैंने। तो सबको मैंने जिप लॉक बैग में डालकर अभी मैं इसे फ्रिज में डाल दूँगी। जिप लॉक बैग्स में भी ये बहुत फ्रेश रहते हैं, तो अभी सब मैंने जिप लॉक बैग में डाल दिया है और मैं इसे स्टोर कर दूँगी फ्रिज में। जिप लॉक बैग में बहुत दिन तक हमारे वेजिटेबल्स फ्रेश रहते हैं। और मैं अभी आ गई हूँ डिनर और बच्चों के लिए जो टिफ़िन रहता है उसका प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि कल मंडे है तो उनका टिफ़िन तो रहेगा, इसीलिए मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रख लेती हूँ रात में ही, ताकि सुबह में थोड़ी गड़बड़ कम हो जाए अपनी, तो इसीलिए मैंने रात में थोड़ा सा तैयारी कर रही हूँ, डिनर की भी कर रही हूँ और उनके टिफ़िन की भी कर रही हूँ तैयारी। ये मैंने चॉप करने डाल दिया है, ऑनियंस चॉप कर रही हूँ मैं। इसका मैंने रिव्यू मेरे चैनल पे अपलोड किया है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें सब हमारे वेजिटेबल्स बहुत फाइनली चॉप हो जाते हैं, या कोई भी आपको
कुछ भी सैंडविच वगैरह बनाना हो, कोई वेजिटेबल डालना हो या कोई पराठे बनाना हो, गोभी के पराठे, सब अच्छे हो जाता है। अभी मैं कर रही हूँ, बना रही हूँ पनीर, घर में ही बनाती हूँ मैं पनीर, और फ्रिज में स्टोर कर कर रख देती हूँ। तो मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध, फुल फैट क्रीम, फुल फैट मिल्क है ये, 1 लीटर ले लिया है मैंने। ये मैं फ्रिज में स्टोर कर कर रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे लगती है कुछ रेसिपी बनाने के लिए तो मैं ये निकाल कर बना सकती हूँ। तो इसमें मैं अभी डाल रही हूँ विनेगर, आप थोड़ा थोड़ा कर कर विनेगर डालें, पूरा एक साथ मत डालें, और हिलाते रहें, विनेगर डालते रहें और हिलाते रहें, तो ये अपने आप इसके पूरे दूध फट जाएगा। देखिए मैं डाल रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा दूध अभी फटना शुरू हो गया है अभी, और मैं 1 टीस्पून डालूँगी। टोटल मैंने 2.5 से 3 टीस्पून विनेगर डाला है, तो ये अभी थोड़ा सा मिक्स करूँगी तो ये अपने आप दूध और पानी अलग हो जाएगा, मतलब पनीर और पानी अलग हो जाएगा। देखिए इसको, और ये इसके तो बहुत रेसिपीज़ बनते भी हैं तो ये अच्छा रहता है घर पे रहता है। तो अभी देखिए ये हो गया है रेडी, दूध पनीर अलग हो गया है, पानी अलग हो गया है। मैं बाजू में डिनर भी बना रही हूँ साथ में, और मैंने अभी ले लिया है स्ट्रेनर, उस पर मैंने डाल दिया है मसलिन क्लॉथ, और मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। मसलिन क्लॉथ रहता है तो उसमें अच्छा, ये अच्छे से पनीर हम जब प्रेस करने रखते हैं तो अच्छे से फ्लैट हो जाता है। और मैं इसे अभी वॉश करूँगी रेगुलर वाटर से ताकि जो विनेगर का फ्लेवर है वो निकल जाए। अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। अभी देखिए ये सब मैंने स्ट्रेन कर कर निकाल लिया है। अभी मैं इसे फोल्ड कर दूंगी कपड़े को, और इस पर मैं रख दूंगी वज़न, कोई भी वेट रख देंगे आप, तो ये अच्छे से इसका जो भी बचा हुआ पानी है वो निकल जाएगा। देखिए ये तैयार हो गया है अपने मेरा पनीर। अभी मैं इसे थोड़ा सा, थोड़ी देर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद मैं ऐसे क्यूब्स बनाकर फ्रिज में रख दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियोस को, कमेंट करें और शेयर करें मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।